हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। झारखंड में राजनीति विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई हुई है। हर दल जोर शोर से प्रचार कार्य में जुटा हुआ है। इस वक्त हम चतरा के लोवा गड्ढा गांव में हैं, जहां आरजेडी के प्रत्याशी सत्यानंद भोक्ता जी के बेटे सिकंदर भोक्ता जी चुनाव प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए कि अभी आप चुनाव कार्य के लिए, प्रचार के लिए लोवा गड्ढा गांव में आए हैं, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच में आप रख रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे मूलभूत समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके यहाँ पर रोड नहीं है, उसके बाद यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, उनकी रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए यहाँ पर ना नली है, ना सड़क है, ना गली है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं से हम लोग अवगत हुए हैं। ठीक है, और उनके समस्याओं का हम लोग अमल करेंगे। अभी सबसे बात हुई है, सबसे मुलाकात हुई है, तो हर लोगों ने अपनी समस्याओं को हमारे बीच रखा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि आपका जिस तरह कार्य होता है, अब हम लोग वहाँ मतलब का काम करेंगे वहाँ पे। हमारा सवाल ये है कि जब आप वोट मांग रहे हैं, तो आप जनता को किस तरह कन्विंस कर रहे हैं कि वो आपके पक्ष में क्यों वोट करें? देखिए, सीधी बात यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप वोट मत मांगिए, आपके लिए हम वोट मांग रहे हैं, जनता हमारे लिए वोट मांग रही है। हम क्या वोट मांगेंगे, जनता वोट मांग रही है। अब इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए क्या होगा, इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए क्या होगा, बताइए। यही बहुत बड़ा बात है हमारे लिए। जी जी, अगर सत्यानंद भोक्ता जी विधायक बनते हैं, तो आप लोग जैसे क्षेत्र में उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या आप आगे आकर जनता के काम के लिए भी आगे आएंगे? जी बिल्कुल, जनता के काम के लिए आगे भी आएंगे और जनता के बीच रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे। यहाँ पर हर लोगों ने बोला है कि आप हमारे बीच रहिए, हम इनके बीच रहेंगे, इनके साथ रहेंगे, इनके समस्याओं में रहेंगे, इनके सुख दुख में रहेंगे, और इनके बीच रह के, इनके साथ रह के, इनका जो कार्य है वो हम लोग अपना कार्य बखूबी करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि आम तौर पर लोगों की शिकायत होती है कि जो नेता होते हैं चुनाव के वक्त में हाथ जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्षेत्र में कभी नज़र भी नहीं आते। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आपका 10 साल विधायक रहे मेरे पिताजी, तो हम लोग आपका हारने के बाद भी हमेशा लोगों के बीच रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ गए, लोग का एक ही बात बोलना है कि आप लोग जीते या हारे, आप लोग लोगों के बीच रहते हैं। ठीक है, तो इसी मतलब एक होता है ना कि आपके जो विधायक होते हैं आपके बीच रहते हैं, तो लोगों को भी अच्छा लगता है। उनका बस ये बोलना कि हम लोग का समस्या पूर्ण हो या ना हो, कम से कम हमारे विधायक जी ऐसे हैं कि हम लोग के बीच रहते हैं, हम लोग के सुख दुख में रहते हैं। आप उनको छठी में बुलाइए, आप उनको शादी में बुलाइए, आप उनको कहीं बुलाइए, आप ग्रामीण बुलाइए, आप क्षेत्र में बुलाइए, वो क्षेत्र में आते हैं, हर ग्रामीण, हर गांव, हर घर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब लोग इससे खुश हैं। एक बात बताइए कि आप यूथ हैं और एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, आज वोट मांग रहे हैं अपने पापा के लिए, सत्यानंद भोक्ता जी के लिए। जब आप वोट मांग रहे हैं, तो किस तरह के रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, और आपका अपना पर्सनल क्या फीलिंग है? देखिए, रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हर युवा हमारे साथ है, हर लोग हमारे साथ हैं, वो चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, वो हम लोग के साथ चल रहे हैं। और है ही है कि जो भी हम लोग युवा है, हम लोग एक साथ हम लोग चल रहे हैं, एक साथ हम लोग हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। और जहाँ तक मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात है, यहाँ बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम उस बेरोज़गारी को यहाँ से ख़त्म किया जाए। आप सरकार में देख ही रहे हैं कि यहाँ पे JPSC नहीं हो रहा। अब JPSC होगा नहीं तो आपके लोग मतलब रोज़गार पाएंगे कहाँ से? अब JPSC होगा नहीं, सरकारी नियुक्ति होगी नहीं। मैं खुद UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद JPSC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ को भोग रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ को झेल रहा हूँ। आज मैं 3-4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं परीक्षा नहीं दे पा रहा हूँ। 5 साल से JPSC की परीक्षा नहीं हुई है, मैं भी उस चीज़ को भोग रहा हूँ, मैं भी झेल रहा हूँ। तो बस कोशिश करूँगी यही कि जो हमारे युवा साथी है वो हमारे साथ चले और ये हमारे सहभागी बने। तो आप JPSC UPSC की तैयारी करते हैं, तो क्या मतलब नौकर साहब बनना है या नेता बनना है आपको? देखिए, मैं तो जनता के बीच ही रहना चाहता हूँ। अब मेरे पिताजी आदरणीय सत्यानंद भोक्ता नेता हैं ही,
वो हर लोग के बीच रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अधिकारी बनके मैं उनके बीच रहूँ, उनका सेवा करूँ। तो बस यही मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और मेरे पिताजी अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब इसी से हम लोग अपना जनता के बीच हम लोग रहेंगे, अपना कार्य करेंगे। और विरोधियों को पटकनी देने के लिए क्या कुछ मतलब कर रहे हैं खास तौर पे, जो आप मतलब कुछ विशेष होता होगा कुछ खास अंदाज? नहीं देखिए, विशेष और खास अंदाज के हम लोग क्या विरोधियों को देंगे, वो तो जनता जवाब देगी ना। वो जनता बताएगी कि मतलब विरोधी क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, कैसा काम हुआ है, वो जनता जवाब देगी। वो आपको 23 दिसंबर को दिख जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और 30 तारीख को हमारे यहाँ मतदान है। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मतदान करें और लोगों को जागरूक करें, मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पहले मतदान फिर जलपान, मैं यही बोलूँगा, सबसे निवेदन करूँगा। पहले मतदान फिर जलपान, क्या लगता है कि जब 23 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो महागठबंधन की सरकार बनेगी झारखंड में? जी बिल्कुल बनेगी। जिस तरह से पारा शिक्षक को आप मतलब देख रहे हैं, जिस तरह से आप आंगनबाड़ी को देख रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से उनमें एक रोष है, मैं क्या बोलूँगा, आप किसी पारा शिक्षक से जाके मिलिए, आप किसी आंगनबाड़ी से जाके मिलिए, उनके मन में क्या दिक्कत है वो खुद बोलेंगे इस बात को। मैं तो लोगों के बीच जान रहा हूँ, मैं उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ, वो लोग बोले हैं कि उनके बीच क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और काम करेगी। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सौभाग्य है मेरा। तो ये थे RJD के उम्मीदवार सत्यानंद भोक्ता जी के बेटे सिकंदर भोक्ता, जिनका कहना था कि जब 23 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो उसके परिणाम जो है बहुत ही चौंकाने वाले होंगे और जो BJP दावा कर रही है उनके दावे खोखले साबित होंगे। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क। हम हैं रैड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।